गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है गाइस। और चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हस्बैंड भी आज घर पे हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं आज व्लॉग में। अभी ना वो कूलर की घास लेने गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई, ब्लॉक हो गई, तो अंदर से अच्छी हवा नहीं जा रही है अंदर, तो चेंज कर देंगे, कूलर भी साफ़ कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा काम होता है थोड़ी बहुत कर लेते हैं छुट्टी में। बाकी मैं बना रही हूँ खाना, खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, चावल, दाल, रोटी। तो सब्जी, चावल, दाल बन चुकी है, रोटी रह गई है, मतलब आटा गूंथ के रख के आई हूँ। मैंने सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, इसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी और फिर आपको दिखाती जाऊँगी। चलिए फिर फटाफट से कर लूँ काम। तो ये रहा आज का हमारा खाना, दाल बनाई है और भिंडी की सब्जी और रोटी अभी बनाऊँगी, चावल बन के रेडी है। तो ये रहा खाना। A few moments later. यही मौसम की बात, तो मौसम आज ठीक ठीक है, मतलब बादल भी है, हवा भी है, धूप भी आ जाती है, तो ठीक है। रोज के मुताबिक चटक धूप नहीं है आज, सब तीनों चीज़ें आ रही हैं, हवा, धूप, बादल, तो ठीक है। अभी देखो बादल है तो अच्छा है। चलो अंदर जा रही हूँ, ख़त्म करती हूँ काम। तो ये देखो मौसम का नज़ारा, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद मैं चली गई रोटी बनाने और हस्बैंड भी आ चुके हैं घास लेके, मतलब कूलर की, तो वो बाहर कर रहे हैं, तो यस गए हैं बाहर सूट करने। तो ये देखो ये मरम्मत करने में लगे हुए हैं, इतना मतलब जाम हो गया ये पल्ले ना, उसमें पानी पड़ता है तो पूरा जम गए हैं। और ये देखो घास कितने बेकार हो चुकी थी, तो इस वजह से ना वो लगा रहे हैं घास। और मैं फिर लग गई सफाई में, और जैसे अंदर करके आई तो बाहर ये सामान रखा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मट्टी चढ़ गई, तो मैं भी सफाई में लग गई। फिर हम लोग दोनों बहुत देर तक मतलब सफाई करते रहे, वो फिर आगे सूट भी नहीं ज़्यादा कर पाई थी मैं। A few moments later. तो गाइस दोपहर हो गई है, हम लोगों ने अभी बनाई है शॉर्ट, सारे लोग घर पे थे तो हस्बैंड के साथ भी बहुत सारे बनाए, आप लोग शॉर्ट जाके देख सकते हो। और बहुत काला बादल आज भी आ रहा है, अब बारिश के लिए आज भी नहीं बोलूँगी कि बारिश होगी, वो होगी, बारिश होगी या आंधी आएगी वो मैं दिखा दूँगी, लेकिन स्टार्ट हो गई है आंधी, अब देखते हैं बारिश होती है क्या होता है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो अभी का दिखा देती हूँ बादल, मतलब थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है। Much later. गाइस तो हो गई है रात और हम जा रहे हैं बाजार। आप सबको पता होगा कि मतलब हर शहर में रात को ही बाजार जाते हैं, तो मंगल बाजार हमारे नज़दीक लगता है, तो जा रहे हैं। मेन चीज़ है टॉम जेरी के लिए पत्ते लेना ज़रूरी होता है, वो दो तीन दिन ही चलते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पत्ते बहुत कम मिल रहे हैं, तो वही लेने जा रहे हैं। बाकी थोड़ी बहुत सब्जियाँ ले लेंगे, तो दोनों जन जा रहे हैं, बच्चे घर पर हैं। और दिन में तो बहुत अच्छा बादल आ गया था, मतलब हवा भी चल रही थी, और शाम को अभी बिल्कुल हवा शांत हो गई और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए मार्केट, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो मतलब छोटा बाज़ार लगता है ये, ज़्यादा बड़ा बाज़ार नहीं है, पर हम लोग टॉम जेरी के लिए ही आए हैं स्पेशली, तो थोड़ी बहुत सब्जी मतलब बच्चों के लिए खाने पीने के लिए ले लेंगे, और ये टॉम जेरी के लिए पत्ते ले लेंगे। हर दो दिन में बाज़ार जाना ही पड़ता है टॉम जेरी के लिए पत्ते लेने, अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत कम पत्ते मतलब मिलते हैं, पर यहाँ से हमें मिल गए हैं, तो यहाँ से ले लिए हमने पत्ते। इसके बाद यहाँ से लिए, देखो हस्बैंड ले रहे हैं आम, और हम लोग बाज़ार से वापस आ गए तो रास्ते में मतलब आइसक्रीम वाले भैया लगाते, तो वहाँ से ले लिया हम लोगों ने आइसक्रीम। बाज़ार तो हम लोग करके आ गए, बाकी लगी है अभी प्यास बहुत ज़ोर से, तो यहाँ पे है प्याऊँ, तो हम लोग बोतल लेके चलते हैं, तो यहाँ से भर लेते हैं और पी भी लेते हैं पानी। तो ये रहा प्याऊँ, तो यहाँ से भर भी लेते हैं एक बोतल पानी और पी भी लेते हैं, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो जो लोग मतलब प्याऊँ लगवाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है गाइस कि मतलब सभी मजदूर लोग गर्मी में दोपहर में मतलब प्यास सभी को लगती है, तो जगह जगह प्याऊ लगे हैं, तो यहाँ से भर लेते हैं पानी। अब जा रहे हैं घर, खाना आना खाएंगे, अभी खाना नहीं खाया हम लोगों ने, और आज दिन में भी ज़्यादा सूट नहीं कर पाए क्योंकि हम ना काम करते रहे, सफाई करते रहे, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसी में बिजी हो गए। अभी देखो रात हो गई है तो ये रोड शांत है, नहीं तो रोड क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा गाड़ी मतलब स्पीड से भी जाती है। और ये आइसक्रीम लिए तो ये भी खाते जा रहे हैं, पानी तो हम लोगों ने अच्छे से पी लिया, वहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा मतलब अच्छा था। अंदर आ जाते हैं, ये देखो कितना बड़ा गेट लगा है, सेफ्टी है, वहाँ पे गार्ड भी है, तो जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे सेफ्टी है हर गली में, मतलब जहाँ से भी घुसोगे तो इतना बड़ा गेट है लोहे का और हर जगह मतलब गार्ड बैठे हैं, तो इसी सेफ्टी के लिए हम लोग रहते हैं कि यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, मतलब हम लोग एक एक बजे भी घूमते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो जब मैं जा रही थी बाज़ार तब मैं यहीं से स्टार्ट किया था, अब मैं घर आ गई हूँ और अब वीडियो भी यहीं पे एंड कर लेती हूँ। अंदर अभी खाना ना खाएंगे फिर
काम करूँगी, फिर रात हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग करनी, तो फिर मैं एंड भी नहीं ले पाऊँगी। तो गाइस ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने जीप पता है ठंडी ठंडी, मतलब ठंडी हो गई, जाम हो गई जीप, इतनी ठंडी आइसक्रीम काली, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। तो चलिए गाइस बाय बाय। तो घर आने के बाद भी मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। तो ये देखो, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा है, बाकी ये बच्चे दोनों ये देखो आइसक्रीम खा रहे हैं दोनों बैठ के।